हेलो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सर्दियों का एक खूबसूरत सा फ्लावर प्लांट ऑर्नामेंटल कैबेज के बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। वैसे तो फ्रेंड, ये जो ऑर्नामेंटल कैबेज है, हम लोग जो पत्ता गोभी खाते उसी कैबेज फैमिली से बिलोंग करता है और ये ईडेबल भी होता है। कई जगह पे इसका सब्जी भी बना के खाया जाता है और सलाद के रूप में भी खाया जाता है और सलाद सजाने में भी काम में आता है। और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, जैसे कि वाइट में थोड़ा येलो येलो शेड में है, येलो शेड में है। और ये जो है पर्पल कलर में है और पिंक में भी आता है, बिल्कुल वाइट में भी आता है। वैसे तो फ्रेंड्स, ये इसे हम लोग आम तौर पे जो ऑर्नामेंटल कैबेज कहते हैं, लेकिन ये कैबेज नहीं है, ऑर्नामेंटल केल है। इसके पत्ते देखिए कैसे घुंघरालू टाइप में है, छोटे बच्चे का जैसा फ्रॉक का जो झालर होता है, झालर जैसा लगता है दिखने में। लेकिन ऑर्नामेंटल कैबेज जो है उसके पत्ते झालर के जैसा नहीं है, थोड़ा बिल्कुल ऐसा इस तरह का प्लेन है, इसीलिए वो कैबेज है और ये केल है। और इसको लगाने के लिए मिट्टी ऐसा होना चाहिए, जैसे 30% मिट्टी गार्डन सॉइल जो है, 30% गार्डन सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट और 20% सैंड मिला के इसकी मिट्टी तैयार करें। खाद का रेशियो इसमें इसकी मिट्टी में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो फ्लावर प्लांट होता है, हम लोग सर्दियों में जो पिटूनिया है, जो भी है, कैलेंडुला जो भी है, हर 10 दिन में या तो वीकली लिक्विड खाद देते हैं। इसको हर 10 दिन में कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही बार मिट्टी तैयार करने का टाइम खाद ज़्यादा करके डाल दे तो ठीक रहता है, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर लिक्विड खाद डालने जाए तो फिर इसका जो स्टॉक है नीचे का, जो डंडे से ये स्टॉक है नीचे से, डंडा जैसा है, उसी के ऊपर ये फ्लावर है, वो उसका ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा, फिर वो लंबा सा डंडे के ऊपर एक फ्लावर लटका हुआ रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसीलिए इसको रोज़ रोज़ खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ये पॉट के ऊपर ऐसे चारों तरफ फैला रहता है तभी दिखने में खूबसूरत लगता है। एक सा लंबा डंडा सा हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एक फ्लावर लटका हुआ रहेगा, बहुत गंदा लगता है दिखने में, इसीलिए उसकी रोज़ रोज़ खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे तो आप लोग बना बनाया पौध नर्सरी से इसका ख़रीद सकते हो और इसका सीड भी निकलता है। जैसे फ्लावर सीजन ख़त्म हो गया तो इसी बीच में से एक स्टॉक निकलेगा, स्टॉक में से बीज निकलेगा, वो बीज को आप लोग सुखा के अच्छी तरह सेव करके रख सकते हो, फिर अगले सीजन के लिए रख के फिर अगले सीजन में इसका जर्मिनेशन कर सकते हो सीड से। और जर्मिनेशन का जो टाइम है, सीड लगाने का टाइम है अक्टूबर नवंबर में ही इसका सीड लगाया जाता है। इसका सीड से पौधा निकलने में 3 से 7 दिन लगता है और इसको जहाँ पे ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है वहाँ पे तो चार पाँच घंटा धूप में चल जाता है ये, और जहाँ पे कम सर्दियाँ होता है उसी जगह पे ये पार्शियल शेड में चलता है। जैसे थोड़ी धूप मिले, थोड़ी छाँव मिले, इसी जगह पे चल जाता है। और पानी थोड़ा देख के दे, जैसे पानी मिट्टी पॉट का मिट्टी जैसे थोड़ा सा सूख गया तभी पानी दे, ऐसा नहीं बिल्कुल ही सूख गया और पानी देने आ गए देखा तो पत्ते पूरे लटक गए, एकदम पीला हो गया, तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ख़राब लगता है दिखने में। इसीलिए पानी समय समय पर पानी दिया करे, ज़्यादा पानी ना हो और पॉट में पानी का ठहराव ना हो, ऐसे देख के दे। और फ्रेंड्स, पहले ही जैसे कहा, ये पत्ते गोभी का फैमिली से बिलोंग करता है, तो पत्ते गोभी में जो कीड़ा लगता है ग्रीन कलर का, इसी में भी सेम कीड़ा लगता है और पत्ते को खा जाते हैं। जैसे ये पत्ता है, ये बीच में से खा गया, छेद छेद हो गया, इसे वाइट कलर में छेद छेद दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वीकली एक बार नीम ऑयल से ज़रूर स्प्रे करें तो कीड़ा नहीं लगेगा फिर। और जो भी पत्ता है नीचे से लटक गया, सूख गया, उसे तुरंत हटा दे, नहीं तो फंगस अटक हो जाएगा। बस और कुछ नहीं चाहिए इसको, इतना ही काफ़ी है।
और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ।